सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। कैसे आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के सेकंड T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 1 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 3:30 पे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे लगभग दोनों इक्वली परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पे पंजाब किंग्स 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे पंजाब किंग्स का 50% देखने को मिल रहा है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 30% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 162 है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का 165 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 209 है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का 210 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 115 है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का 101 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन के मामले में पंजाब किंग्स की थोड़ी सी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो क्लाउडी रहने वाली, 29 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 34% रहेंगे, वहीं 7% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 165-70 के एवरेज में रन लग सकती है। वहीं अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में थोड़ी सी रन इस पिच पे कम सकती है, सेकंड इनिंग में वही 150 या 55 के में भी रन लग सकती है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में भी काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉल चूज करे तो यहाँ पे इजली वे में मैच भी चेस कर सकती है, क्योंकि इस पिच पे अभी तक टोटल जितने मैच भी खेले गए हैं अधिकतर मैच चेस में विन हुई है, कुछ मैच डिफेंड में भी विन हुई है। इस पिच पे अभी तक टोटल 56 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो यह IPL का सेकंड T20 मैच खेला जाएगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले सीजन में देखें तो पिछले सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। इनके कुछ बॉलिंग में कमी दिखाई दे रही थी, वहीं बैटिंग लगभग ठीक ठाक चल रही थी। वहीं अगर दूसरी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है। स्टार्टअप पिछले सीजन के स्टार्टअप की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, फिर बीच में रनिंग में आ गई थी। तो इस साल दोनों टीम काफ़ी अच्छा तैयारी करके आई है। 2023 में यह सेकंड T20 मैच खेला जाएगा, जो दोनों के बीच में होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो शिखर धवन, शाहरुख खान, लायम लिविंगस्टोन, सैम करन। वहीं दूसरी टीम अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के की प्लेयर की बात करें तो नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, डेविड वाइस, एंड्रे रसल,
तो ये ना दो टीमों के की प्ले जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अभी हर एक चीज़ की बात कर, हर एक चीज़ पे डिस्कशन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।